लोकसभा चुनाव के चलते अब राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उदयपुर आए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर कानून व्यवस्था को लेकर के जमकर निशाना साधा। रघु शर्मा ने कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था विरासत में मिली है। दरअसल गुलाब चंद कटारिया ने 23 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। आइए आपको सुनाते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के ये दोनों बयान। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री के रूप में भी काम देखते हैं और हमेशा जब भी वो बोलते थे तो वो मेरे खिलाफ ही बोलते थे कि कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई। मैंने उनका एक नक्शा उनके सामने रखा 2 महीने का, 18 जनवरी और फरवरी और 19 जनवरी और फरवरी, उसकी तुलना मैंने की और 16% सभी हेड में अपराध बढ़े हैं, पेंडेंसी बढ़ी है। 60% आज की तारीख में राजस्थान की पेंडेंसी हो गई है। महिला अपराध में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, केवल 2 महीनों में 47% वृद्धि हुई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हों और जो पहले गृहमंत्री मैं था तब रोज आलोचना में यही करते थे, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इधर ध्यान दो नहीं तो राजस्थान बर्बाद। पूरे 5 साल में जिस तरह से विरासत में उन्होंने बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था उनको दी है, वो क्या एक भावुक इंसान है। जब खुद पद पे बैठते हैं तो उनसे कुछ होता नहीं है और जब अभी 2 महीने जुमा हमारी सरकार को हुई है, अब वो मीन में एक निकालने लग के काम करने का वक्त मिलना चाहिए सरकार। लोकतंत्र में विपक्ष को आज़ादी है, आलोचना करे हमारी, लेकिन आलोचना के लिए समय दिया जाता है। अब क्या है, वो भावुकता में कुछ भी बोल देते हैं, विधानसभा में भी हम देखते हैं तो उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना तो जनता लेती है ना पब्लिक। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।